एक तरफ जिस तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसे बीडीओ कहते हैं, बीडीओ को बीडीसी से हटाकर, बीडीसी के दायित्व से हटाकर, उनके कार्यपालक पदाधिकारी जो बीडीओ थे हटाकर वहां पर पंचायती राज पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, तो बीडीओ को पंचायतों के काम से मुक्त कर दिया गया है, खास करके बीडीसी पंचायत समिति सदस्य के कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। अब उसकी बैठक से लेकर सारे चीज वीडियो नहीं करते हैं, पंचायती राज पदाधिकारी करते हैं। अब उसी के तर्ज पर अब डीडीसी को भी पंचायत के कामों से छुट्टी मिलने वाली है। जिला स्तर के सीईओ के पद पर डीडीसी थे जिसे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं, अब कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर दूसरे अधिकारी रखे जाएंगे जो उप सचिव स्तर के होंगे, और उनके लिए, उन अफसरों को दायित्व देने के लिए पंचायती राज मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं आगे चिट्ठी बढ़ा दिए हैं। तो डीडीसी का काम अब पंचायतों में समाप्त होने वाला है। क्या है पूरी खबर, पूरी जानकारी क्या है, कैसे काम होगा, ये सारी बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे दें। नाम है मेरा अभय कुमार और आप हैं हमारे साथ गांव की सरकार कार्यक्रम में। तो दोस्तों, तरह तरह की खबरें, मैं पंचायत से जुड़ी खबरें आपके पास लेकर आते रहता हूं, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट हम डाल देते हैं नजर कि कौन सी खबर निकल कर आ रही है जो पंचायतों के विकास को प्रभावित करेगा। जो आज तक सर्वे सर्वा डीडीसी थे, अब डीडीसी को पंचायतों से अलग कर दिया गया है। सूबे के सभी 38 जिलों की बात कर मैं कर रहा हूं, 38 जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ कहते हैं, जिसको पद पर इसी महीने उप सचिव स्तर के पदाधिकारी बहाल हो जाएंगे, इसी महीने बहाल हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला, प्रखंड और पंचायत तीनों स्तरों पर बढ़ते विकास कार्यों को देखते हुए, विकास कार्य, बहुत पैसा आने वाला है पंचायतों में, भर भर के झोली आने वाला है, इन विकास कार्यों को देखते हुए, जो बढ़ता विकास कार्य को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है, ऐसा माना जाए। डीडीसी ज्यादा समय पंचायतों पर नहीं दे पा रहे थे, सभी कामों को मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यह निर्णय भी देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत डीडीसी को हटाने का सिर्फ निर्णय ही नहीं लिया गया है। डीडीसी की बात चल रही थी कि डीडीसी को हटा दिया जाएगा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से, बल्कि उसको अमली जामा पहनाने की भी कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके लिए राज्य सरकार जो है सभी 38 जिलों में नए कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त करने जा रही है, नियुक्त कर रही है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसी महीने आप देख सकते हैं कि डीडीसी को पंचायतों के कार्यों से मुक्त कर दिया जाएगा, सभी 38 जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में उप सचिव स्तर के पदाधिकारी को तैनात करने वाली फाइल पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है। तो मतलब यह अब डीडीसी का काम समाप्त हो गया है। डीडीसी जो सर्वे सर्वा थे, किसी तरह का कोई अगर घोटाला होता था, किसी तरह का कंप्लेन होता था, या फिर मुखिया जी काम कर रही है, वार्ड काम कर रही है, पैसा नहीं निकल पाता था, किसी तरह फंस जाता था, जांच बड़ी अधिकारियों तक जाती थी, तो डीडीसी के पास इतना काम होता था कि पंचायतों के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। तो अब पंचायतों के लिए अलग से जिला स्तर के अधिकारी जो कार्यपालक अधिकारी होंगे, वही बैठक भी लेंगे, जिला परिषद की बैठक भी अब डीडीसी जो लेते थे वो कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अब दूसरे उप सचिव लेवल के जो अफसर होंगे उनको कार्यपालक पदाधिकारी बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। अब डीडीसी इस काम से अलग हो जाएंगे। फाइल जो है तो पंचायती राज मुख्य सचिवालय को भेजा गया, मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिलते ही डीडीसी को हटाकर उप सचिव के स्तर के जो अफसर हैं उनको जिम्मा दे दिया जाएगा। तो यह बहुत ही पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि डीडीसी के जगह पर उप सचिव अब कार्यपालक प्राधिकारी होंगे। सम्राट चौधरी ने इसके लिए बताया है कि डीडीसी की व्यस्तता को देखते हुए उनकी जगह शीघ्र ही सभी 38 जिलों में उप सचिव स्तर के अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही इनकी तैनाती भी कर दी जाएगी। तो
तो अब दिन बदल गया, पूरी व्यवस्था बदल गई है। जहां बीडीसी की बैठक के लिए वहां पंचायती राज प्राधिकारी को कार्यपालक प्राधिकारी बनाया गया है, अब वहीं जिला में भी जिला पंचायती राज प्राधिकारी मतलब उनके कार्यपालक प्राधिकारी जो है उप सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। और उसके बाद गांव में विकास की तेजी आने वाली है। अप्रैल के महीना से जो मंत्री ने कहा है कि अप्रैल के महीने में गांव में जो काम तो है जमीन पर दिखने लगेगा, जो गांव की सरकार जमीन पर दिखने लगेगी। अब उसकी धीरे धीरे कार्य शुरू है, अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।